Hey guys, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज का सेशन लेने वाले हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पूरे मार्क्स कैसे गेन करे जाएं। सिर्फ मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्या बात कर रही हूँ, आपको तो पता है कि मैम यहाँ पे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, और क्योंकि CLAT PG कंसोर्शियम ने साफ साफ लिख दिया है कि ये सब्जेक्ट आएंगे, तो डेफिनेटली हम एक एक पैसेज तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगर वो पिछली बार का पैटर्न फॉलो करेंगे जिसमें उन्होंने हमें 12 पैसेज दिया था और एक पैसेज में 10 क्वेश्चंस आए थे, तो डेफिनेटली एक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चंस तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो मैम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फुल मार्क्स वाली क्या बात है, क्या 10/10 की आप बात कर रहे हो? नहीं, मैं यहाँ पर बता दूं, काफी लोगों को पता होगा लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम है अभी भी, मैं उनको एक बार कन्वे कर दूं ये चीज कि CLAT PG का पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सबसे ज्यादा वेटेज देता है। यस, बिकॉज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपका बेसिक लॉ है। आप सबको मालूम है कि जब भी आप लॉ स्कूल में जाते हो तो आपको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया जाता है, ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता है। देयर इज अ रीजन कि एक बार अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझ लिया तो आपके लिए सारे लॉज को समझना बहुत ईजी हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डेफिनेटली आपका एक अच्छा खासा वेटेज कवर करता है CLAT PG के पेपर में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पिछली बार का पैटर्न फॉलो करेंगे, वो मतलब 12 पैसेज देंगे, या वो 20 पैसेज देंगे, या वो 8 पैसेज देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? क्योंकि आपको मालूम है कि हम उनके पैटर्न पर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर बार वो अलग अलग अपना पैटर्न चेंज करते रहते हैं। तो जरूरी नहीं है इस बार कि पिछली बार वाला पैटर्न फॉलो हो सकता है लास्ट टू लास्ट टाइम वाला आ जाए, या उससे पहले वाला आ जाए, कैसे भी आ जाए, क्योंकि CLAT PG ने अपने नोटिफिकेशन में बस 120 क्वेश्चंस को लेके क्लैरिटी दी है। Along with that, ये कहा है कि comprehension passage के base में रहेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है कि कितने passage रहने वाले हैं और कितने questions रहेंगे, ठीक है? तो उसके लिए आपको prepared रहना है कि कैसा भी आएगा, लेकिन definitely constitutional law सबसे ज्यादा marks का आने वाला है। और एक चीज बता दूं कि जैसे मान लीजिए one passage is dedicated to constitutional law only, then another passage is also dedicated to constitutional law only, ठीक है? मतलब मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 30 से 40 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आपको देखने को मिलता है। ये मैं प्योरली की बात कर रही हूँ। हो सकता है कि तीन पैसेज, लास्ट टाइम की अगर मैं बात कर लूँ कि मान लीजिए अगर 12 पैसेज वाला पैटर्न वो लोग फॉलो करते हैं, तो हो सकता है वो तीन पैसेज दे दें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर, तो इस हिसाब से 30 नंबर हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के। लेकिन क्या सिर्फ प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूछा जाता है? प्योरली तो पूछा ही जाता है, लेकिन कई बार होता है ये किसी और सब्जेक्ट के साथ इसको मर्ज कर देता है, लाइक एनवायरनमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को मर्ज कर दिया, सीआरपीसी के साथ बहुत ज्यादा देखा जाता है। पैसेज में हो सकता है आपको ना दिखे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, मतलब प्रोविजन, लेकिन क्वेश्चंस में आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने अरेस्ट के ऊपर कोई पैसेज दे दिया तो आर्टिकल 21 आपसे पूछ सकते हैं, वो आर्टिकल 22 आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी राइट्स ऑफ द अक्यूज से रिलेटेड है तो उसमें भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ दिया जाएगा। अब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो अरे ये तो प्योरली इस पे नहीं है, सीआरपीसी पे नहीं है, ये दोनों मर्ज करके कैसे दे दिया? भाई उन्होंने सब्जेक्ट दे दिया है, उन्होंने सिलेबस में वो सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिए हैं। अब आपके ऊपर है कि आप पढ़ के जाओ एंड फिर वो मिक्स एंड मैच जो भी करना चाहते हैं वो कुछ भी करेंगे, एंड उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो इस नाते अगर मैं कहूँ तो आपको 40, सिर्फ ये नहीं कि प्योरली 30 मार्क्स वाला आ गया तो आपको सिर्फ उतना ही फायदा मिलने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, बल्कि आपको 10-10 क्वेश्चन इधर उधर भी छोटे 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 अलग अलग सेक्शंस में मिल जाएंगे। तो 40 लगभग नंबर का आपको फायदा यहाँ पर मिलता है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है? इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इसको तैयारी करनी है। बिफोर दैट अन अकेडमी अचीवर्स बैच अपना लेके आया, ऑलरेडी हमारा ये बैच रन कर रहा है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ाती हूँ, एंड ये वाला कोड MSingh10 अगर आप यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा जो इस टाइम चल रहा है। प्लस कोर्स की खासियत ये है कि हम डेली लाइव क्लासेस कराते हैं, मॉक टेस्ट तो आपको होता ही होता है, लेकिन अलग से लाइव टेस्ट और क्विजेस भी करवाते हैं। अलॉन्ग विद दैट इन क्लास PDF हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें डेली केस एनालिसिस भी होता है। अगर आप पूरा बैच लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मेरा सब कुछ तैयार है, मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ूंगा, तो आप ये वाला कोर्स भी ले सकते हो। आपको सिर्फ QR कोड स्कैन करना है एंड देन आप डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। एक्सक्लूसिवली अन अकेडमी स्टोर्स पे ये कोर्स अवेलेबल है, लेकिन कोड यूज कर लोगे अगर मेरा वाला MSingh10, तो ये कोड यूज करने के बाद आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इसलिए इसको यूज करना मत भूलना। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे, आपके सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी।
मॉक टेस्ट सीरीज आप लेना चाहते हैं तो अगर आपने बैच ले लिया है तो आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने बैच नहीं लिया है तो आपको 2000 रुपीज यहाँ पे देने पड़ेंगे जिसमें आपको 20 मॉक्स मिलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा अगर आपने एमसिंगटन या रेफरल कोड यूज कर लिया, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस रेफरल कोड। ये लाइव मॉक्स होते हैं हर वीकेंड पे, हम सैटरडे संडे को करवाते हैं 2 बजे से 4 बजे के बीच में। ऑल्सो स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी पे कंडक्ट होती हैं। अगर आपने कभी पहले विजिट नहीं किया है तो QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट आप वहाँ पे जा सकते हो, और मंजरी सिंह भी वैसे आप सर्च करके ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगा क्लैट पीजी एंड अदर LLM एग्जाम्स की कैटेगरी में। आपके आने वाले क्लैट पीजी पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं मैं इस टाइम उसकी सीरीज चला रही हूँ, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। अगर आपको लगता है ज्वाइन करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहती हैं अपकमिंग क्लासेस की। अब सबसे पहले तैयारी तो करनी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, ठीक है, तो उसके पहले सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है जानना कि हमें कौन कौन से टॉपिक जरूर कवर करने हैं, ठीक। अब सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे आपको कोई मंत्र देने नहीं आई हूँ कि सुबह उठ के नहा के बैठ जाना है और आपको वो मंत्र का जाप कर लेना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डेफिनेटली नॉट, आई एम गोइंग टू टेक द प्रैक्टिकल अप्रोच। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको कौन कौन से टॉपिक्स डेफिनेटली कवर करने हैं। ये मैं सारे टॉपिक्स नहीं लेके आई हूँ, हो सकता है आपको लगे अरे मैम आपने वो टॉपिक कैसे छोड़ दिया, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स लेके आई हूँ, मैंने इंपॉर्टेंट भी नहीं रखे, उनको अलग रख दिया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि आप इनको किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जा सकते हो, इसको तो आपको कवर करना ही करना है, ठीक है। अब आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ रहे हो बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, आपको मालूम है पढ़ाई करने का कोई नुकसान नहीं होता है, वो फायदा ही हमें देती है, लेकिन जिनके पास कम समय है, जिनका सिलेबस पीछे चल रहा है, वो लोग ये टॉपिक्स एटलीस्ट जरूर कवर करके जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आपको पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर आर्टिकल 12 स्टेट का पढ़ लीजिए, आप आर्टिकल 13 पढ़ लीजिए, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इसमें पढ़िएगा, डॉक्ट्रिन्स पढ़ना मत भूलिएगा, 14, 15, 16 आप साथ में पढ़ सकते हो, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट देख लिया और रिजर्वेशन वगैरह देख लिया। देन आप 19 पढ़ सकते हो, 19 में भी 19(1)A इज इंपॉर्टेंट, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, उसके लैंडमार्क जजमेंट्स आप मत भूलिएगा, एंड रीसेंट जजमेंट जो भी आते रहते हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा। 20 का थोड़ा थोड़ा ऊपर से तीनों प्रिंसिपल्स को देख लो, मैक्सिम्स वगैरह रिलेटेड वो कर लो। आर्टिकल 21 आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, चाहे लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करूँ, चाहे रीसेंट डेवलपमेंट जो हुए हैं उसकी बात करूँ, तो वो पूरा कवर कर लीजिएगा। आर्टिकल 22 की बात करूँ, अगेन CRPC से कनेक्ट करके उसको पढ़िएगा, एंड सारे प्रोविजंस के बारे में मालूम होना चाहिए। बहुत सारे केस लॉज इंपॉर्टेंट नहीं है 22 के कॉन्सेप्ट में, लेकिन आपको प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए। 25 से 28 की बात करूँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, तो अगेन लैंडमार्क केसेस इंपॉर्टेंट है, प्लस जो नए केसेस और आए हैं लाइक आपका हिजाब वाला केस हो गया, सबरीमाला वाला हो गया, ये सब ऑल टाइम इंपॉर्टेंट केसेस हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हो। 29-30 कल्चरल एजुकेशनल राइट से डील करता है, तो अगेन वहीं पे बात आ जाती है कि लैंडमार्क केसेस आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। 32 अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें आप सारी पांचों तरह की रिट्स पढ़ते हैं, रिट्स में भी हेबियस कॉर्पस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि लैंडमार्क्स तो पढ़ोगे पढ़ोगे, साथ में रीसेंट जजमेंट्स अगेन पढ़ोगे। फिर मेन मैंडमस है जो सबसे ज्यादा एक्सरसाइज की जाने वाली रिट है, तो आप इसको जरूर कवर करेंगे। जुडिशियल रिव्यू आपको पता होना चाहिए, आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के केसेस पता होने चाहिए, आपको जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में मालूम होना चाहिए। ये हो गए कॉन्सेप्ट जो आपको फंडामेंटल राइट्स में कवर करने हैं। फिर मैं बात करूंगी DPSP की। DPSP में सारे प्रोविजंस को रट्टाफिकेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ द DPSP। एंड इस DPSP में भी आपको क्या फायदा होने वाला है कि आपको जब भी अगर ये दिखेगा तो आपको कहीं ना कहीं इसको रिलेट करा जा रहा होगा फंडामेंटल राइट से, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट और DPSP का रिलेशन पढ़ना, इसमें पूरी क्रोनोलॉजी ऑफ केसेस आपको मालूम होनी चाहिए। देन हम आ जाते हैं प्रेसिडेंट के टॉपिक पर, तो प्रेसिडेंट का टॉपिक में आपको अपॉइंटमेंट मालूम होनी चाहिए, आपको मेथड ऑफ इलेक्शन पता हो, आपको ओथ वगैरह पता हो, आपको रिमूवल मालूम होना चाहिए, आपको जुडिशियल पावर, आपको लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट की सब पता होनी चाहिए। जब मैं प्रेसिडेंट की बात करती हूँ तो ऑन दी अदर हैंड मैं गवर्नर की भी बात कर रही हूँ, जिसको साइमल्टेनियसली आपको कवर करना है, सिर्फ आर्टिकल का चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत प्रोसीजर में बदलाव आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम है, तो साथ साथ उसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर आप पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उसको भी जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि अगेन प्रेसिडेंट के जब प्रेसिडेंट मतलब मौजूद नहीं होता है, ठीक है, उसकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, एंड अगेन क्योंकि वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, तो आपको जब पार्लियामेंट पढ़ना है तो आपको वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना ही पढ़ना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप पढ़ेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आप पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन है, इसके कॉन्टेक्स्ट में पूरा ये कॉन्सेप्ट आप कवर करेंगे।
पार्लियामेंट की जब मैं बात करती हूँ तो आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द आर्टिकल 79 जिसमें बता दिया कि हाँ प्रेसिडेंट होगा और दो हाउसेस होंगे, बल्कि आप पार्लियामेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, दोनों हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, कितने मेंबर्स होते हैं, किस तरीके से क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, किसको ये रिमूव कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती हैं, इस पे क्या लैंडमार्क केसेस रहे हैं, आपको वो भी पढ़ने हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ जरूर पढ़ेंगे, मतलब पार्लियामेंट से निकले हुए जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सब आपको कवर यहाँ पर करने हैं। जुडिशरी की बात करूँ तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोअर जुडिशरी के बारे में इतना कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टाइम होगा लगता है थोड़ा डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में पढ़ना है तो पढ़ लेना, बट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आप यहाँ पे स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको अपॉइंटमेंट पढ़ना है, रिमूवल पढ़ना है, ट्रांसफर ऑफ जजेस पढ़ना है। फिर आता है यूनियन और स्टेट का रिलेशन, जिसमें तीन रिलेशन आते हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल। लेजिस्लेटिव रिलेशंस पूरा कंप्लीट कवर करना है, प्रोविजन सारे के सारे पढ़ने हैं, 245 से लेके 255 तक सब कुछ पढ़ना है। अलॉन्ग विद दैट डॉक्ट्रीन जरूर कवर करनी है, टेरिटोरियल एक्सटेंट की हो गई, पिथ एंड सब्सटेंस हो गया, हारमोनियस सब्सटेंस हो गया, सॉरी हारमोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, रिपग्नेंसी हो गया, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट आप कवर करेंगे। जब मैं बात करती हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है एज कंपेरिजन टू लेजिस्लेटिव रिलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव में बस आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ने हैं, लाइक आपने इंटर वाटर डिस्प्यूट पूरा मतलब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट पढ़ लिया, आपने इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ लिया, स्टेट को यूनियन के साथ कैसे कंप्लाई करना है, ड्यूटी कैसे परफॉर्म करनी है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। फाइनेंशियल रिलेशन इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख दिया है बिकॉज आपके में टैक्स एक्ट भी आता है, ठीक है। तो आईटी जब आप पढ़ोगे, आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, तो अगेन हो सकता है कि यहाँ पे फाइनेंशियल रिलेशन से जोड़ के कोई एस्पेक्ट पूछ लिया जाए, तो इसलिए आपको कह रही हूँ कि बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, अगेन सिर्फ एक थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आप जीएसटी का यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका इलेक्शंस। इलेक्शंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शन ऑल टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको मालूम है इलेक्शंस को लेकर सारे बवाल चलते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, और तो और इलेक्शन कमिश्नर को लेके कहीं कुछ है कहीं कुछ भी है, तो इसलिए पूरा इलेक्शन का कॉन्सेप्ट इज इम्पॉर्टेंट। एमरजेंसी, तीनों तरह की एमरजेंसी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फोकस आप सबसे ज्यादा नेशनल इमरजेंसी पे करोगे 352 वाली पे, फिर आप 356 वाली पे करोगे स्टेट इमरजेंसी पे, और सब कुछ नेशनल इमरजेंसी के जितने भी प्रोविजंस है पूरे पता होने चाहिए, कब तक लग सकती है, मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है, कब तक लगती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर हाउस डिजॉल्व है तो क्या होगा, हाउस डिजॉल्व नहीं है तो क्या होता है, कितनी बार नेशनल लगी है, कितनी बार स्टेट लगी है, कितनी बार फाइनेंशियल लगी है, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हो इसको, जो है 368 को आर्टिकल 13 के साथ रिलेट करके पढ़ना, पूरा का पूरा जो क्रोनोलॉजी है आपकी, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद, मिनर्वा मिल, सब कुछ पूरा रिलेट करके जो बात करी गई थी आर्टिकल 13 क्लॉज 3 को लेके, कि लॉ की परिभाषा में अमेंडमेंट आता है कि नहीं आता है, ये पूरी लड़ाई आपको जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच थी आपको मालूम होनी चाहिए, और आपको इस पर पढ़ना है, कंप्लीट इसका आइडिया होना चाहिए। फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे शेड्यूल मेंशन कर दिए, शेड्यूल्स के बारे में मालूम होना चाहिए किसमें क्या दे रखा है, सबके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में खाली कुछ पढ़ने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो फर्स्ट वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, थर्ड हो गया नहीं हो, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ वाला थोड़ा बहुत लिस्ट देख लेना, ठीक है, सिक्स्थ वाला अगेन देख लेना, सेवन्थ इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि तीनों लिस्ट की बात होती है तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप पढ़ सकते हो नाइन्थ वाला, अगेन लिस्ट, सब लिस्ट ही है क्योंकि, ठीक है, तो एक बार देख लेना, थोड़ी जहमत उठा लेना। टेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप एंटी डिफेक्शन लॉ इस पार्लियामेंट को कवर करते टाइम पढ़ोगे तो आप टेंथ वाला ऑटोमेटिक इसमें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स कवर कर लोगे, ठीक है। तो इतना आपको करना ही करना है, इसको स्किप नहीं कर सकते हो। अब जब आपने इतना कर लिया है तो इसको करते के साथ साथ, ठीक है, ये नहीं है कि पहले वो करके रख लिया, इसको करने के साथ साथ आपको रीसेंट जजमेंट्स और एक्ट्स पे भी ध्यान देना है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो फटाफट से आप रीसेंट जजमेंट्स पे जाके फोकस करोगे और आप वहाँ पर मेंशन कर लोगे। ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस काफी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि आपको जजमेंट्स में क्या क्या कवर करना होता है, ठीक है। कोरम आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर फाइव जजेस की बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, उसमें आपको माइनॉरिटी मेजोरिटी पता हो, अगेन 5+ में जो भी जाता है आपको नाम मालूम होना चाहिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। 2023 के ऑल लैंडमार्क, ठीक है, ऑल लैंडमार्क रीसेंट केस लॉज, जितने भी लैंडमार्क रीसेंट केस लॉज है 2023 के ऑल, 2022 में ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है, अगेन नहीं 2022 में मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं आएंगे, 2022 में जैसे ये आपका मंथली वाइज आप 2023 में ले सकते हो, ठीक है, इसमें मंथली वाइज देखना,
ठीक है, यहां पर आप ईयरली देख सकते हो एंड ये आ जाते हैं मोस्ट मोस्ट बहुत हाईलाइटेड 2021 में जो बहुत हाईलाइटेड रहे हैं, खाली आप उनको एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप रीसेंट जजमेंट्स कवर करेंगे, ऑल्सो जो भी एक्ट्स वगैरह आए हैं, अमेंडमेंट हुआ है, आप उसको भी कवर जरूर करेंगे। फिर आप जब भी कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन इज मस्ट। आप अगर इसको करोगे तो आपको सही और गलत आपको पता चलता रहेगा, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन करना मत भूलिए, ये इंपॉर्टेंट है। और जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप एक स्लैब कवर करिए, स्लैब ऑफ 120 क्वेश्चन। ठीक है, 120 क्वेश्चन का जब स्लैब आप एक लगाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा आपके कितने सही हैं, आपके कितने गलत हैं, आपका नेगेटिव मार्किंग कितना जा रहा है। आप खुद की नेगेटिव मार्किंग खुद ही करो, ठीक है, खुद करो, ये मत सोचो वहां पे होने वाली है तो हमें उसी को देखना है, नहीं, खुद नेगेटिव मार्किंग को टैकल करिए और उसको सॉर्ट आउट करिए यहाँ पर। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसको अगर करोगे तो डेफिनेटली आप स्कोर करने वाले हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में फंडामेंटल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जितने भी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब लगा डालो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में। मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, मॉक टेस्ट आप कहीं से परचेज कर लीजिए, अनअकैडमी का भी मैंने बता दिया अवेलेबल है, तो मॉक टेस्ट को जरूर लगाओ। एंड जब लगाओ तो एक तो क्या करो, सबसे पहले तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस किया करो। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि भाई सबसे ज्यादा वेटेड जिस सब्जेक्ट का है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का, उसमें मेरे कितने आ रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट से पूछती भी हूँ कि ओवरऑल कितना आया, फिर उसके बाद ये बताओ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कितने सही हो रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ जो सबसे ज्यादा आ रहा है, लाइक अगर मान लो 40 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है तो कम से कम भाई 35 तक तो सही रखो। ठीक है, 35 नंबर कोशिश करोगे, अगर ये टारगेट कर लिया तो फिर आराम से बाकी सब्जेक्ट धीरे धीरे निकल जाने वाले हैं। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करा करो एंड देन टोटल पेपर का एनालिसिस तो आप करते ही होंगे। ठीक, अगर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, उसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप पूरे पेपर का एनालिसिस नहीं करोगे आप अपनी इंप्रूवमेंट नहीं देख पाओगे। जब आपके खराब नंबर आएंगे, जब आप गलत करोगे तभी आप उसको सही कर पाओगे। तो हमेशा जब पेपर लगाओ तो पेपर लगाने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करो, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि आपको ये देखना जरूरी है यहाँ पर कि मैंने जो सही किया था मार्क, क्या वो सच में सही हुआ है, कि आगे चल के अगर पूछा गया कभी तो मेरा वो सही रहे। फिर जो मैंने गलत किया, मैंने क्या गलत किया, कैसे गलत हो गया, आपको इसको भी देखना जरूरी है, तो आप इसको स्किप कहीं से भी नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज का पूरा कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पूरे मार्क्स कैसे गेन करने हैं। अगेन अगर मैं पॉइंट्स में बताऊं तो आपको ये जो मैंने टॉपिक्स बताए आप इनको कवर करो, इनको कवर करने के साथ साथ यू हैव टू आल्सो सी द अमेंडमेंट्स एंड आल्सो द रीसेंट जजमेंट्स ऑफ 2023-2022 स्पेशली। देन आप साथ साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बुक उठा लीजिए जिसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी दिए होते हैं, टॉपिक वाइज भी होते हैं, सब होते हैं। आप सारे क्वेश्चन, जितने पॉसिबल क्वेश्चन है, एटलीस्ट आपके फंडामेंटल तो नहीं गलत होंगे ना, हो सकता है रीसेंट हमसे कुछ स्किप हो जाए लेकिन आपका फंडामेंटल गलत नहीं होगा। फिर आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने, मॉक टेस्ट लगाएंगे आप तो आपको ये पता चलेगा कि मैं रीसेंट से कितना कनेक्ट करके सही गलत बता पा रहा हूँ, क्या मेरे फंडामेंटल्स यहाँ पे काम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप खुद को भी एनालाइज कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, फटाफट से सब्सक्राइब करो, ऐसे और भी वीडियोज मैं लेके आती रहूंगी। Thank you so much.